हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन हेलो गुड मॉर्निंग यस यस वी हैव स्टार्टेड सेशन चलो सबको आवाज आ रही है यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी यस चलो सो so, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मेगा एमसीक्यू सेशन नंबर टू और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे आपके फिफ्टी अरे वीडियो स्ट्रीम सबको तो वीडियो दिखाई दे रहा है ना बराबर हाँ यस yes. तो आज के सेशन में हम फिफ्टी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ठीक है और ये 50 एमसीक्यूज आपके टोटली पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड है मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लिए हैं और सारे चैप्टर्स पूरे के पूरे 19 चैप्टर्स में से हमने दो 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 एमसी एमसीक्यू करके लिया हुआ है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ एक बार सिर्फ बता देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है जिनका अभी भी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है तो अभी भी वो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट के दस दिन बचे हुए हैं आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अब आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग और मॉक टेस्ट ही करना है ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड मॉक टेस्ट ठीक है और अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो उसका वन शॉर्ट रिविजन देखो उसके अलावा आपको कुछ टाइम पास नहीं करना है चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन के साथ ये रहा अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या आएगा यस yes, चलो अभी पोल्स दिया जा रहा है बताओ इसमें से राइट आंसर क्या आएगा यस yes. कितने बच्चों ने क्या सिलेक्ट किया है लेट मी सी फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी एट परसेंट अरे बापरे सब अक्डक् कर रहे हैं ठीक है सो so इसका राइट right आंसर आएगा बी और सिर्फ फोर्टी थ्री परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली डज नॉट अकर ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी आपको जेनेटिकली सिमिलर ऑफ नहीं मिलते हैं आपको जेनेटिकली वेरिएबल ऑफ स्प्रिंग्स मिलते हैं क्योंकि 50 परसेंट जीन पेरेंट से मैच करता है बाकी 50 परसेंट डिफरेंट होता है तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पोल्स यस आ जाओ से ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल ये आपके चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है इवोल्यूशनरी स्टेबल उसके अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल क्या होना चाहिए इसका रेशियो वन इज टू वन होना चाहिए तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको डिवाइड करने पे आपको का वैल्यू मिलेगा ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नाइनटी परसेंट बच्चों ने बी लिखा था इट इज रॉन्ग आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच हॉर्मोन इज कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ डायनल रिदम रिदम मतलब क्या होता है ट्वेंटी फोर आवर्स का बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सा हॉर्मोन 24 फोर आवर्स का बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करता है थ्री yes. का आंसर क्या आएगा बताओ फटाफट से इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मेलाटोनिन गधे लोग हंड्रेड परसेंट बच्चों ने ए टिक कर दिया था ऑक्सीटोसिन इज योर बर्थ हॉर्मोन सिरोटोनिन इज योर हैप्पी हार्मोन या इसको फ्रेशनेस हार्मोन भी बोल सकते हो कैल्सिटोनिन कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है मेलेटोनिन इज योर 24 आवर्स का साइकिल चलो क्वेश्चन नंबर फोर ओके नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर फोर द टर्म ट्रांसजेनिक एनिमल इज रेफर टू एन एनिमल इन विच देर हैज बीन अ डेलीबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द जीनो यह आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर ट्वेल्व इट इज सेम एज अस म्यूटेशन तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से राइट है कौन सा रॉन्ग है म्यूटेशन की वजह से कभी कभी जो नहीं चाहिए वो कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस हो जाते हैं जबकि ट्रांसजेनिक एनिमल में हम सिर्फ वही कैरेक्टर्स डालते हैं जो हमको चाहिए होता है स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू इज इन करेक्ट यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट अच्छा ये आपके आईज से रिलेटेड क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर नाइन द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ओके द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन कॉर्निया प्रोवाइड नरिशमेंट टू इट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है द smooth प्रोटेक्शन टू regulate करेक्ट size of इंटरनल रिफ्लेक्शन करेक्ट इजी है आपका ऑप्शन नंबर ए का आंसर आना चाहिए क्योंकि आपके कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स होते ही नहीं है ब्लड वेसल्स स्क्लेरा के पास होते हैं सो so, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है इसका राइट आंसर ए आएगा ये देखो स्लैराइज प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल्स कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स होते ही नहीं है तो ये स्टेटमेंट राइट कैसे आएगा दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आई डिलीटेड नहीं है बाबा 2024 चालू है 2021 के के बच्चों लिए आईज और वाला पार्ट डिलीटेड था इस साल के बच्चों के लिए आईज और ईयर्स वाला पार्ट डिलीटेड नहीं है गधे लोग सो इस क्वेश्चन का सिर्फ 37 परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिया है सिर्फ 37 परसेंट बच्चे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर एट रेस्पिरेशन बताओ इसका आंसर क्या आएगा टेल मी इसका आंसर क्या आएगा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है ये

ये देखो पल्स प्रेशर का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर ड्यूरिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग चैप्टर नंबर फोर यस ड्यूरिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है चैप्टर नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स में सिर्फ थर्टी सिक्स परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है ड्यूरिंग डीएनए फिंगर प्रिटिंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्प्लिट्स इन टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएन बाई डैश ट्रीटमेंट स्पीड स्लो नहीं होने वाला है इसी स्पीड में आंसर देना है आप लोग पोल पोल चिल्लाते थे इसीलिए हम पोल्स लेकर आए आपके लिए अब आंसर दो फटाफट यस yes, बताओ ड्यूरिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कैसे स्प्लिट होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का टॉपिक है लास्ट वाला जेल इलेक्ट्रोफोरिस वाले टॉपिक में आता है आयुषी मुंद्रा फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर डिफिकल्ट जा रहा है तो उसके लास्ट फाइव ईय के पीवाई क्यू सॉल्व करने का ट्राई करो क्योंकि फोर्थ चैप्टर चैप्टर का का भी का भी वेटेज वेटेज ज्यादा ज्यादा है सिधा -सिधा 10 है फिफ्थ सीधा सीधा दस मार्क्स का वेटेज है ठीक है चलो सो क्या आएगा इसका आंसर अल्कली ट्रीटमेंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो थर्ड स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें पढ़ा है ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आया था कि आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में स्प्लिट हो जाता है यूजिंग सॉल्ट बाय अल्कली ट्रीटमेंट यस yes, तो क्वेश्चन नंबर सेवन इसका आंसर क्या आएगा बी चलो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर दे दो हम्म बताओ क्या आएगा इन हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डैश ऑफ फीटर्स सो एच डी एन डिजीज दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर टेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपका एच डी एन डिजीज कब होता है जब आपका आर एच पॉजिटिव आर एच आर एच पॉजिटिव फादर और आर एच नेगेटिव मदर रहती है

सिक्सटी परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिया है ठीक है कितने परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिया है सिक्सटी परसेंट बच्चों ने सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर चलो क्वेश्चन नंबर नाइन चेंज दैट अकर ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ आर एकदम बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर सेवन का फर्स्ट पेज पे ही दिया गया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में यस yes. क्या आएगा इसका आंसर चेंजेज दैट अकर ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ आर प्लांट्स जब ग्रो होते हैं तो क्या वो रिवर्सिबल हो सकते हैं वापिस उनकी हाइट छोटी हो सकती है नहीं क्या वो टेम्पररी ग्रोथ होता है नो सो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज लेफ्ट चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ आर परमानेंट एंड इट इज इ रिवर्सिबल चेंज सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर प्लीज एंड द पोल ऑप्शन नंबर बी परमानेंट एंड इ रिवर्सिबल यस yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ रिड्यूस्ड को सब लोग की हवा निकल जाएगी कितने परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिया है सेवेंटी टू परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिया क्वेश्चन नंबर नाइन का चलो क्वेश्चन नंबर टेन देखो आपका जो एनएडीएच टू है कितने एनएडीएच टू रिड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एंड क्रेब्स साइकिल ये इलेवेंथ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर थर्टीन का क्वेश्चन है रेस्पिरेशन वाला चैप्टर बताओ स टोटल नंबर ऑफ रिड्यूस्ड को एनजाइम्स एनएडीएच टू फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस में ओके okay. ग्लाइकोलिसिस में कितने एनएडीएच टू रिड्यूस होते हैं बच्चा लोग यस ग्लाइकोलिसिस पाथवे याद करो और फिर क्रेप क्रेपसाइकल याद करो क्रेप क्रेपसाइकिल में तो हमने पढ़ा है कि तीन एनएडीएच टू बनता है एक पायरुबिक एसिड से और अगर आप दो एनएडीएच टू लोगे मतलब दो पायरोविक एसिड लोगे तो ये थ्री मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा मतलब सिक्स एनएडीएच टू बनता है क्रेप साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में दो एनएडीएच टू बनता है सो सिक्स प्लस टू दिस इज क्रेप साइकिल दिस इज ग्लाइकोलिसिस तो कितना आएगा आंसर एट यस सो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्या आएगा ये देखो आपका ग्लाइकोलिसिस देखो और क्रेप साइकिल देखो कितना एनएडीएच टू बनता है ग्लाइकोलिसिस में दो एनएडीएच टू बनता है और क्रेप साइकिल में छह एन टू बनता है आपको ये काउंट करना है ना दिस इज योर एन ए डी एच टू एंड दिस इज ए टी पी एक एनएडीएच टू से तीन ए टीपी बनता है, NADH2 तो ये 3, 3, 3 ये है। आपको ए टी पी का काउंट नहीं पूछा है आपको सिर्फ एन का काउंट पूछा है तो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 57% बच्चों ने राइट right आंसर दिया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स दिस इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर नाइन ग्लियल सेल्स को आपको मैच करके बताना है यस विच विच ऑफ़ द द मैच टाइप ऑफ ग्लियल सेल शोन इन द फिगर विथ इट्स फंक्शन माइक्रोग्लिया का काम होता है फैगोसाइटोसिस का एस्ट्रोसाइट का काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर करना और सैटेलाइट सेल्स का मैकेनिकल सपोर्ट होता है तो ये कौन सा डायग्राम है वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस डायग्राम क्या आएगा इसका आंसर का आंसर एपेंडाइमल सेल्स ये कौन सा सेल है एपेंडाइमल सेल जो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है सी एस एफ प्रोड्यूस करना ये देखो ये सी एस एफ बनाते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का माइलिन शीत बनाते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं ये फैगोसाइटोसिस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कचरा जमा करते हैं और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का माइलिन शीट बनाते हैं सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन यस द मोड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी दिस इज योर चैप्टर नंबर थ्री इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर सिक्सटी वन परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर इलेवन का चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चलो 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 फटाफट से द मोड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज कॉल्ड एज वॉट बताओ क्या आएगा अरे वाह इसका आंसर तो फटाफट से आ गया चलो वेरी गुड प्लीज चेंज द पोल सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर क्या आएगा हेप्लो यानी कि हनी बीज में मेल्स जो होते हैं वो एप्लॉयड होते हैं फीमेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती है सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर इज आंसर नंबर सी सिक्सटी वन परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है नाउ कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन ये आपके चैप्टर नंबर फिफ्टीन का टॉपिक है यहाँ आपको क्वेश्चन में पहले दिखा देती हूँ फिर पोल अपलोड होता है ताकि आपको थोड़ा पांच सेकंड का टाइम मिले रीड करने के लिए यस, yes, बताओ क्या आएगा इसका आंसर शिल्पा बेटा अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम लग रही है तो फिर आप ईयरफोन लगा के सुनो आपको प्रॉपरली सुनाई देगा क्या होता है अलगे की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है एक्वेटिक्रोथ ऑफ अलगे जिसके वजह से पानी के अंदर का जितना भी ऑक्सीजन है पूरा यूज हो जाता है सो so, पानी का पूरा ऑक्सीजन यूज हो जाता है ठीक है देन नेक्स्ट आपके पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है ओके okay? तो ये सब किसके वजह से होता है अलगे की ग्रोथ की वजह से होता है इसमें अलगे की ग्रोथ नहीं होती है सो क्वेश्चन नंबर का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी प्लीज चेंज द पोल सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी ये देखो अलगे का होता है जिसके वजह से पानी का ऑक्सीजन कम हो जाता है जिसके वजह से पानी के अंदर के एनिमल्स मर जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा This is from chapter number nine. कुछ नहीं पढ़ा अमन तो फिर तुक्का लगा दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलो स्टिम्युलेन ऑफ सेंसरी सेल्स इन द बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा जनरेट इम्पल्स विच फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन क्या ये राइट right स्टेटमेंट है सोचो अपना हाइड्रा का जो बॉडी है इसके पास कैटर्ड डिफ्यूज टाइप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ऐसे नर्व नेट के फॉर्म में तो जहां पे इसको सिग्नल मिलेगा इसका वही पर्टिकुलर बॉडी पार्ट रिएक्ट करने लग जाता है क्योंकि इसका कोई फिक्सड डायरेक्शन नहीं होता है देर इज नो पोलैरिटी एंड नो फिक्स डायरेक्शन तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है मीसोग्लिया इन हाइड्रा कैरीज टू नर्व नेट फॉर परपज ऑफ कोऑर्डिनेशन तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर टू तो करेक्ट है येस वेरी गुड चेंज द पोल्स तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा स्टेटमेंट नंबर वन इज इन करेक्ट क्योंकि इधर पोलैरिटी नहीं होती है कोई डायरेक्शन नहीं होता है बट स्टेटमेंट नंबर टू इज करेक्ट इधर दिया है इन हाइड्रा जहां पे भी आपके सेंसरी सेल्स एक्टिवेट होते हैं वहीं पे इम्पल्स जनरेट होता है क्योंकि देर इज नो पोलैरिटी एंड नो डायरेक्शन इन हाइड्रा सो इस क्वेश्चन के कितने बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कितने परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिए यस yes. क्या आएगा इसका आंसर डी ओनली फोर्टी परसेंट स्टूडेंट गेव आंसर yeah. क्या कर रहे हो तुम लोग इतना सिंपल टॉपिक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन एंड नेचुरल ऑक्सीजन इज चैप्टर नंबर सेवन ऑक्जिन हॉर्मोन किसने डिस्कवर किया था एफ वेंट ने तो ऑक्सिन हॉर्मोन का नेचुरल नेम क्या है नंबर बताओ यस द मोस्ट कॉमन एंड नेचुरल वाह वेरी गुड एक बार में ही आंसर आ गया सर चेंज करो, अरे पहली बार में हंड्रेड परसेंट आंसर आता है बाद में कहीं सर वो हो जाता है पता नहीं चेंज द पोल ट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन सो द मोस्ट कॉमन एंड नेचुरल ऑक्सीजन इज इंडोल एसिटिक एसिड वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सिक्सटी एट परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिया है वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाँ ये देखो इधर दिया है ऑक्सीजन का नेचुरल नाम है इंडोल एसिटिक एसिड और इसके केमिकल नेम्स क्या हैंफ्थलीसिटिक एसिड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एंड टू फोर डी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे जाते हैं ओके okay? इन 1960 सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट वर डेवलप्ड बाय अभी ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 11 से है एनहांसमेंट वाला चैप्टर यस yes, 1960 में व्हीट की सेमी डॉर्फ वेराइटी किसने डिस्कवर की थी बताओ ये रहा पोल चलो बताओ मैं भी जरा वीडियो चालू करके देखो लैग हो रहा है क्या हो रहा है हाँ ठीक है यस yes. ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया था तो क्या आएगा इसका आंसर नॉर्मन बोरलॉग वेरी गुड डन वेरी गुड ठीक है नॉर्मन ई बोरलॉग इन्होंने हमको वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज दी थी कौन सी कौन सी सोनालिका कल्याण सोना ये दो सेमीडवार वेरायटीज है वीट की जो इंडिया में ग्रो की जाती है और राइस की भी सेमीडवार वेराइटीज मिली थी आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के फोर्टी थ्री परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एज अ फ्यूल तो ये आपके चैप्टर नंबर फिफ्टीन का क्वेश्चन है भारत सरकार ने जब सी एन जी गैस यूज करने बोला था तो क्यों बोला था वॉट आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी बताओ यस क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ये क्वेश्चंस आपको इधर पे यूट्यूब पे ही मिलेंगे ये कहीं पे अपलोड नहीं किए जाएंगे आपको यूट्यूब से ही ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बताओ क्या आएगा इसका आंसर Yes, following are the advantages of using CNG. क्या क्या एडवांटेज है सस्ता है अच्छे से जलता है और इसमें मिलावट नहीं होती है It is, it is adulteration proof fuel. ऐसा नहीं है कि ये कभी खत्म नहीं होगा ये कभी ना कभी तो खत्म होगा इट इज इट विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड ऐसा नहीं है ये कभी ना कभी तो खत्म होगा सो दिस स्टेटमेंट इज योअर एक्सेप्शन ओके क्योंकि इधर दिया है देखो सी एन जी गैस सस्ता अच्छे से जलता है और उसमें मिलावट नहीं होती है ओके सो so इसका आंसर क्या आएगा सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए एन एफेड बाई हार्ट प्रोड्यूसो इफेक्ट ए एन एफ मतलब क्या होता है एट्रियल एट्रियलिक फैक्टर यह आपके चैप्टर नंबर फिफ्टीन क्लास एक्सक्रीशन चैप्टर का क्वेश्चन है ए एन एफ के वजह से क्या क्या होता है पचास क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज यस yes, कितने क्वेश्चन करने वाले हैं फिफ्टी क्वेश्चन चलो बताओ ए एन एफ सेक्रेटेड बाय हार्ट फॉलोविंग इफेक्ट एक्सेप्ट ए एन एफ क्या करता है एएनएफ कब बनता है जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है इनफैक्ट जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो आपके हार्ट से एएनएफ सेक्रेट होता है ए एन एफ सबसे पहले तो सोडियम रीअब्सॉर्बन स्टॉप कर देता है आपके यूरिन में से सोडियम बाहर निकालता है तो ए एन एफ की वजह से यूरिन में से सोडियम बाहर निकलता है एक्सेस वाटर बाहर निकलता है क्योंकि एडीएच का रिलीज बंद हो जाता है एडीएच बनना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली वाटर रीअब्सॉर्पन स्टॉप हो जाएगा का हो तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप होगा तो ज्यादा वाटर यूरिन की तरह थ्रू बाहर जाएगा उसको बोलते हैं डाय यूरेसिस डायल्यूट यूरिन और सोडियम रिअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा तो सोडियम भी यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा आपका ए एन एफ ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है बढ़ाता नहीं है इट रिड्यूस सिस्टोलिक प्रेशर इट डज नॉट इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर देखो इधर दिया है ए एन एफ या ए एन पी आप बोल सकते हो एट्रियल नेट्री पेप्टाइड दोनों का मीनिंग सेम है इसको आप ए एन एफ भी बोल सकते हो तो ये आपका नेट्री करता है डाई करता है और ये एडीएच प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है इट रिड्यूसेस एडीएच प्रोडक्शन जिसके वजह से वॉटर स्टॉप हो जाता है यस yes. so, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे यस सिर्फ ट्वेंटी एट परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है बाकी सबने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया है किसी की तैयारी नहीं हुई है इससे साफ पता चलता है आप लोग अगर इलेवेंथ का चैप्टर ऑप्शन में छोड़ के जाओगे तो पूरा पूरा बीस मार्क्स आपका रिस्क पे है पहले ही बता रही हूं मैं बाद में मत बोलना मैम ने बताया नहीं था यस ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ आपका जब एटीपी बॉन्ड फॉर्म होता है मतलब ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड तो इस एटीपी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं मतलब एटीपी बनाने के लिए जो बॉन्ड हमको चाहिए जो हीट एनर्जी हम ट्रैप करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज़ एज व्हाट ऑक्सीडेशन में आपका एटीपी यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होता है डिफ्यूजन में एटीपी यूज ही नहीं होता है आपको क्या बोला है ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी एटीपी बनाना है यहाँ पे तो एटीपी टी ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे भी एटीपी टी ब्रेक डाउन होता है आपको एटीपी फॉर्म करने बोला है तो ग्यारहवीं में एक बहुत सी बेसिक सी चीज़ आपने पढ़ी थी फॉस्फोराइलेशन फॉस्पोराइलेसन मतलब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फोरस तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी कितने लोगों ने राइट right आंसर दिया है

बताओ क्या आएगा इसका आंसर विच प्लांट शो फ्लावरिंग इन विंटर विंटर मतलब क्या होता है विंटर के टाइम पे धूप कम रहती है और रात लंबी होती है तो विंटर में क्या होता है लेस सनलाइट और लेट समर में भी क्या होता है लेट समर मतलब विंटर का रेनी सीजन का स्टार्टिंग होने का टाइम आ जाता है तो इसमें भी सनलाइट कम होती है ऐसे तो प्लांट्स जिनको सनलाइट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बताओ यस yes. बताओ क्या आएगा ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स वेरी गुड जिनको कम सनलाइट की जरूरत पड़ती है देखो इधर दिया है लेट समर एंड विंटर सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कैरेक्टर बाय सेल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज डैश एज डैश इज जॉइंट इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम स्टेटमेंट को समझो बहुत डायरेक्ट आंसर दिया है एकदम स्ट्रेट आंसर है जेनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल कैरेक्टर्स नॉन पैरेंटल कैरेक्टर्स मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स तो डिफरेंट कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दिस इज योर चैप्टर नंबर फोर का क्वेश्चन कम ऑन जल्दी जल्दी आंसर करो येस yes, क्या आएगा इसका आंसर जल्दी आप लोगों को पोल दिया जा रहा है इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि पोल्स देने के बाद कम से कम दस सेकंड तक का टाइम मिलना चाहिए बच्चों को अटेम्प्ट करने का क्या आएगा इसका आंसर जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल कैरेक्टर्स नॉन पैरेंटल कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसके वजह से न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन एंड ज्वाइंट इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम तो ये लिंकेज प्रोसेस है आपका जो नॉन होमोलोगस रीजन रहता है यहाँ के जो क्रोमोजोम रहते हैं जीन्स रहते हैं ये जीन्स एज इट इज न्यू जनरेशन में पास होते हैं तो लिंकेज तो इसका आंसर क्या आएगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर सिर्फ फोर्टी थ्री परसेंट बच्चों ने दिया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द वाटर फॉर्मड एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब क्लास 11th रेस्पिरेशन चैप्टर इसीलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि क्लास 11th के चैप्टर प्लीज ऑप्शन में मत छोड़ो क्लास 11th के सारे चार चैप्टर्स जो हैं ऑल फोर एमएचटी सीईटी चैप्टर्स इसका वन शॉट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यस yes. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो वाटर बनता है ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिक्स चैप्टर के लिए जा रहे हैं ओके फर्स्ट चैप्टर 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 थर्ड सारे से मिक्स लिए जा रहे हैं आपका एंड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो वाटर बनता है उस वाटर को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो बनता है उस वाटर को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर क्या बोलते हैं आंसर इसका सी आएगा कैपिलरी वाटर चैप्टर नंबर सिक्स में आता है ये रूट के एब्सॉर्बन के लिए अवेलेबल रहता है ठीक है हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपके सॉइल के साथ बाइंड हो जाता है केमिकल वाटर इज कम्बाइंड वाटर ये केमिकल्स के साथ बाइंड होता है तो इसका अरे सॉरी ये क्या हो गया हाँ तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर कंसीडरिंग क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है सीक्वेंस तो कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था दिस इज चैप्टर नंबर फोर मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंसिडरिंग द क्रोनोलॉजी विच एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्मड फर्स्ट यस बताओ क्या आंसर आएगा इजी पीजी लग रहा है बच्चों को देखते हैं ना कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन बताया था डीएनए का ठीक है हर्शियन चेज ने बैक्टेरियो फार्ज यूज किया था और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था एवरी मेकार ने एंजाइम वाला मेथड यूज किया था और ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का हुआ था ना ग्रिफिथ का वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या ठीक right है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कंप्लीट द एनोलॉजी रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सर्फेस ऑर्गन दिस इज योर चैप्टर नंबर एट चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो सिक्सटी फोर परसेंट बच्चों ने राइट आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का आंसर दो क्या आएगा इसका राइट right आंसर टर्टल्स के पास क्लोका होता है तो स्कॉर्पियन के पास क्या होता है स्कॉर्पियन आपके आर्थ्रोपोड्स में आते हैं तो स्कॉर्पियंस के पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है यस वेरी गुड सो क्या आएगा इसका आंसर बुक लंग्स ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो इधर दिया है आपके जो स्कॉर्पियंस हैं, स्कॉर्पियंस के पास बुक लंग्स होता है जो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नंदिनी बांदेवर बेटा फुल लेंथ मॉक टेस्ट बायोलॉजी का ही सिर्फ अपने ऐप पे अवेलेबल है तो आप ऐप का फ्री मटेरियल सेक्शन चेक करो उस पर दो फ्री मॉक टेस्ट दिया गया है और अगर आपको और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो आप ऐप पे मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो ठीक है चलो अ जीन प्रेजेंट जसेंट टू ऑपरेटर जीन इन लैक ओपेर एट विच आर एन ए पॉलीमर बाइंड यह आपके चैप्टर नंबर फोर का क्वेश्चन है लैक ओपेर आया ना मतलब चैप्टर नंबर फोर मोलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस तो यह आपका लैक ओपेरॉन है यस yes? यहाँ पे आपका इनहिबिटर जीन होता है यहाँ पे आपका प्रमोटर जीन होता है यहाँ पे आपका ऑपरेटर जीन होता है यहाँ पे आपके स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं तो ऐसा कौन सा जीन है जो आपके ऑपरेटर रीजन के बाजू में रहता है पी वाला जीन या जेड वाला जीन जहाँ पे आपका आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो आर एन ए पॉलीमरेज किधर बाइंड करता है यस yes, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा वेरी गुड यस नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा प्रमोटर ये देखो आपका जो लैक ओपेरॉन है लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर रीजन में जो आपका प्रमोटर रीजन रहता है वहां पे आके आपका आर एन ए पॉलिमरियस बाइंड करता है यस सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा कार्बोहाइड्रेट इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा सकता है यस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन ईजीली देखो जो कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटा होगा यानी कि जो मोनोसाकरइड के फॉर्म में होगा वही आपके सेल के अंदर जा पाएगा ना ये डायरेक्ट आपके चैप्टर नंबर सिक्स का क्वेश्चन है क्लास इलेवन बायोमोलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटा होगा वो डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री मारेगा तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटा होता है यस yes? आपका स्टार्च पॉलीसेकेराइड है आपका लैक्टोस डाइसेकेराइड है आपका सुक्रोज डाइसेकेराइड है सिर्फ आपका ग्लूकोज मोनोसैक्राइड है करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोस यस सिर्फ तीस पैंतीस बच्चों परसेंट नहीं बच्चों ने राइट right आंसर दिया है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लाज्मा लेवल ऑफ हॉर्मोन डैश इज मेंीडोमेंट इनहिबिटरी कंट्रोल तो कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जिसको हाइपोथेलॉमस इनहिबिट करके रखता है विच हॉर्मोन इज इनिबिटेड थ्रू हाइपोथेलामस कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो कंटिन्यूसली इनहिबिटेड रहता है बताओ क्या आएगा इसका राइट right आंसर यस विच हॉर्मोन इज इन्हीबिटेड बाय हाइपोथेलेमस इन्हीबिन हॉर्मोन आपके कार्पस ल्यूटियम से आता है स्टोमेटोड्रोपिन हॉर्मोन कंटिन्यू इन्हीबिटेड नहीं रहता है ये हमेशा प्रोड्यूस होते रहता है दिस इज कंटिन्यूसली सेक्रिटिंग ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है आपको बोला है जो इन्हीबिट रहता है गो एड्रीनोकॉर्टिकोड्रॉपिन ये भी आपके एड्रिनल ग्लाइंट से कंटिन्यू सेक्रीट होते रहता है ठीक है लेकिन आपका जो मेमोट्रोपिन होता है इसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है ना ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बनना स्टार्ट होता है बाकी टाइम पे ये इनहिबिटेड रहता है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या आएगा ए नहीं आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा आपको बोला है कौन सा हॉर्मोन हाइपोथेलामोस इनहिबिट करके रखता है कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस इनहिबिट करके रखा है देखो इधर दिया है विश हॉर्मोन इज कंटिन्यूसली इनहिबिटेड प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल फ्रॉम हाइपोथैलेमस कौन सा हॉर्मोन रहता है मेमोट्रोपिन क्योंकि ये हॉर्मोन सिर्फ कब बनता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं मैच द कॉलम दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको करेक्ट आंसर मैच करके बताना है यस yes. क्या आएगा इसका आंसर कॉलम वन प्रोस्टेड ग्लैंड कॉलम टू एक्रोसोम ऑफ स्पर्म देखो एकम के पास क्या होता है एंजाइम तो बी का आंसर आएगा वन एक ही ऑप्शन है बी का आंसर वन बाकी सब डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया ना करेक्ट वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सो यहाँ पे आंसर सिर्फ एक एक आंसर से आपको पता चल गया क्योंकि बाकी ऑप्शंस में है ही नहीं सो ऑप्शन ऑब्वियसली ए आएगा करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन यस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायो पायरसी प्लांट या आपके चैप्टर नंबर ट्वेल्व बायोटेक चैप्टर का क्वेश्चन है कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका पायरेसी नहीं हुआ था मतलब इंडिया से कौन से प्लांट से हमने चोरी नहीं की थी हमने क्या हमारे कौन से प्लांट से जो चोरी नहीं किए गए हमने कोई चोरी नहीं की है उल्टा अपना नॉलेज चोरी करके फॉरेनर्स जो है वो पैसा बनाते थे यस मैमोट्रोपिन हॉर्मोन सा ना प्रोलेक्टिन देऊ क्या आएगा इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायो पायरेसी देखो नीम का पायरेसी हमसे चुराया गया था उसके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बासमती को टेक्समती कर दिया था तो ये भी हमसे चुराया गया था और हल्दी को भी हमसे चुराया गया था इनफैक्ट जो मिसिसिपी के रिसर्चर्स थे जो इंडिया से थे मिसिसिपी जो इंडिया के रिसर्चर्स थे इन्होंने यू में जाके मतलब जो भी है फॉरन में जाके इन्होंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू की और हल्दी का पेटेंट चुरा लिया था सिर्फ सोयाबीन ऐसा प्लांट है जिसका पेटेंट अपने से नहीं चुराया गया था तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सबको समझा यस yes. चलो नाउ कम्स योर कॉलम वन एंड कॉलम टू विथ रेफरेंस टू योर डी ये आपके चैप्टर नंबर फोर्टीन का क्वेश्चन है बेटा जो हमने अलग अलग टाइप की फूड चेन पढ़ी है ना डेट्रिटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन तो उसमें से ये डेट्रिटस फूड चेन वाले पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन है एंड ट्रॉफिक लेवल से क्वेश्चन है हेत जे क्वेश्चन दिलतेफिनेटली सीई टी मधे टाइमपास नहीं क्वेश्चन जे क्वेश्चन मे प्रैक्टिस सेशन मे डेफिनेटली सीई टी मधे क्वेश्चन ओके सो so, अर्थवर्म क्या करता है अर्थवर्म अपने सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कम्पोनेंट्स रहता है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है तो एक आंसर क्या आएगा फोर कॉक्रोच दुनिया के हर कोने में पाया जाता है और सब कुछ खाता है सो so, सी का आंसर क्या आएगा वन टू क्या आएगा सी का आंसर शुड बी वन अच्छा अर्थवम ठीक है देखते हैं अर्थवम अगर डीकम्पोजर नहीं है बैक्टीरिया और फंगाई डीकम्पोजर है तो बी का आंसर फोर आना चाहिए ये वाला ऑप्शन आएगा ऐसे कंफ्यूजन होता है इसीलिए दो तीन ऑप्शंस चेक करने का तो अर्थवम आपके डेट्रीवोर वाले में आ जाएगा डेट्रिटस फूड चेन में अर्थवम आ जाएगा और लेपर्ड क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा मैंने सी लिखा तो तुम भी सी लिख दोगे आंसर तो बाकी का मैच करो ए वाला हमने गलती से गलत कर दिया बाकी मैच करके देखो तो आपका आंसर बी आएगा यस सो आंसर क्या आएगा बी प्रॉपरली देखो घाई मत करो अर्थवर्म इज योर डेट्री वोर एंड बैक्टेरिया एंड फंगस जो है वो डिकम्पोजर्स है ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं ठीक है यस यस अर्थवर्म इज डेट्रीट इट इज नॉट डीकम्पोजर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन चलो देखते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड विथ अमीनो ग्रुप ऑफ अदर दन अमीनो एसिड बताओ क्या आएगा इसका आंसर पचास क्वेश्चन है ठीक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है शुगर्स के बीच में ठीक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में डायस्टर बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है फॉस्फरस और शुगर चेन के बीच में ठीक है पेप्टाइड बॉन्ड किधर प्रेजेंट होता है दो अमीनो एसिड रेसिड्यूस के बीच में यस नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो आपका ये जो एक अमीनो एसिड है और ये जो दूसरा अमीनो एसिड है इस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड इन दोनों के बीच में आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है इधर से एक ऑक्सीजन इधर से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो इधर पे कौन सा बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड ये हमेशा याद रखो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी वन क्वेश्चन का सिर्फ थर्टी सिक्स परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है यह आपके चैप्टर चैप्टर क्लास का question था, chapter का क्वेश्चन था बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हो तुम लोग इसीलिए तुम्हारा सीई में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है तुम लोग इलेवेंथ के चैप्टर पढ़ते ही नहीं हो बीस क्वेश्चन तो सीधा अलेवेंथ के पोर्शन में से आता है प्रोपर डीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा चैप्टर नंबर एट में आपको जो प्लाज्मा का टेबल दिया गया है जिसने वो टेबल अच्छे से रीड किया रहेगा उसमें आपको पता चलेगा कि प्रॉपरडीन क्या है मैंने ना जो बच्चे मेरे क्रैश कोर्स में थे ठीक है और जिन बच्चों ने मेरा लाइव लेक्चर्स अटेंड किया है उन बच्चों को एक ट्रिक बताया था कि कभी भी किसी भी केमिकल के नाम के आगे लास्ट में अगर सफिक्स आई एन रहता है तो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ प्रोटीन मोस्टली वो कौन सा कंपोनेंट होता है प्रोटीन होता है तो इधर पे प्रोपर डीन लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा ये क्या होगा एक टाइप का यस इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो इधर पे प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ सॉरी प्रोपर डीन इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन तो ये आपके प्लाज्मा टेबल में से ऐसा खतरनाक क्वेश्चन भी आ सकता है अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप इसको पूरा लर्न करो लेकिन आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के अलर्टनेस रख के आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इतना डिटेल याद रखना इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल आपको सारे सब्जेक्ट्स याद रखना है तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप ये पूरा टेबल रट्टा मारते बैठो बट थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी ऐसे क्वेश्चन का राइट right आंसर आ जाता है ठीक है तो कितने परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है सिर्फ फिफ्टी बच्चों ने राइट right आंसर दिया है वो भी ये ट्रिक बताने के बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हिपेरिन इज ऑल्सो एन एंटीकोगुलेंट इट इज अ प्रोटीन प्रोटीनशियस कंपाउंड, एक्चुअली हिपेरिन आपका हेट्रोपोलीसेराइड है शुगर प्लस प्रोटीन का कंपाउंड है चैप्टर सिक्स बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है उसमें दिया है आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पिंक कलर का बॉक्स दिया है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के सैक्राइड दिए है उसमें पॉलीसैकराइड वाला जो सेक्शन है उसका हेट्रोपोली जो है उसमें ये एग्जाम्पल दिया है हिपेरिन एंड हैलोरोनिक एसिड बोतल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड अदर कंपोनेंट तो उसमें प्रोटीन आएगा यस स्पीशीज़ रिचनेस इज़ मैक्सिमम इन आपके चैप्टर नंबर थर्टीन का क्वेश्चन है स्पीशीज का रिचनेस सबसे ज्यादा किधर होता है बताओ सबसे ज्यादा स्पीशीज हमको कहां देखने को मिलते हैं यस yes. टेम्परेट रीजन में कि रेन फॉरेस्ट में देखो पोलार रीजन में तो नहीं होता है इतना आपको भी पता है मुझे भी पता है एंटार्क्टिक आर्कटिक ओशन में अटलांटिक ओशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा स्पीशीज रिचनेस तो या तो आंसर ए आएगा या तो आंसर डी आएगा तो दोनों में से क्या आएगा आंसर आंसर इज ए वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि इधर सीधा सीधा दिया है स्पीशीज रिचनेस किधर होता है स्पीशीज रिचनेस इज ऑब्जर्व्ड मतलब जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे डिक्रीज होते जाएगा और सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस कहां पर होता है इट इज मैक्सिम इन रेन फॉरेस्ट रीजन ओके सो ऑप्शन नंबर ए एक्स परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है इस क्वेश्चन का चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन दिस इज ऑल्सो क्लास इलेवेंथ चैप्टर नंबर सिक्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब क्या होता है मिक्सड प्रोटीन मतलब समझो ग्लूकोस प्लस प्रोटीन तो इसको बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन दिस इज योर मिक्स्ड प्रोटीन इट इज नॉट अ प्योर प्रोटीन इसके साथ ग्लूकोज अटैच्ड है इधर पे आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है लिपिड लिपिड को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं मतलब जो भी एक्स्ट्रा ग्रुप रहता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं जैसे इधर ग्लूकोज है ठीक है इधर पे भी प्रोटीन आएगा तो लाइको प्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन तो न्यूक्लिक एसिड भी प्रोस्टेटिक ग्रुप हो जाएगा तो कौन सा कंपाउंड है जो प्रोटीन नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रोटीन है बट कॉन्जुगेटेड नहीं है चैप्टर नंबर सिक्स में दिया है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर क्या आएगा मेटा प्रोटीन बिकॉज मेटा प्रोटीन्स क्या है दे आर योर डिराइव्ड प्रोटीन्स वॉट आर मेटा प्रोटीन्स दे आर डिराइव प्रोटीन सीधा सीधा टेक्स्ट बुक में दिया है ठीक है समझा सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम क्लास इलेवेंथ ह्यूमन न्यूट्रीशन चैप्टर क्लास इलेवेंथ ह्यूमन न्यूट्रीशन चैप्टर नंबर फोर्टीन आफ्टर मैस्टिकेशन मैस्टिकेशन मतलब क्या होता है खाने को चबाने के बाद जब आप खाने को च्यू करते हो जब आप खाने को च्यू करते हो फ्टर मैस्टिकेशन ऑफ स्टार्ची फूड विच ऑफ द फॉलोविंग तो आपने समझो पोटैटो खाया पोटैटो में बहुत सारा स्टार्च होता है तो पोटैटो को खाने के बाद यानी स्टार्च को ब्रेकडाउन करने के बाद आपको कौन सा शुगर मिलेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का आंसर क्या आएगा देखो स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलीसैक्राइड होमोपोलीसैक्राइड मतलब क्या होता है जो एक टाइप के शुगर से बनता है ओनली वन टाइप ऑफ शुगर इज इन्वॉल्व ठीक है तो आपका जो स्टार्च है ये सिर्फ ग्लूकोज 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 से बना है तो जब आप पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करते हो तो पहले आपको डाई मिलता है फिर जब आप इस डाई को ब्रेक डाउन करते हो तो मोनोसेक्राइड मिलता है तो जब आप स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे जब आप स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पहले ग्लूकोज और ग्लूकोज का डाई मिलेगा ये डाई को क्या बोलते हैं हम माल्टोस और फिर जब माल्टोस को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको सिंगल सिंगल ग्लूकोज मिलेगा लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तो ये तो आएगा नहीं मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे तो लैक्टोज नहीं मिलेगा स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे तो सुक्रोज नहीं मिलेगा क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है ठीक है और अपना स्टार्च सिर्फ ग्लूकोज से बना है तो ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा अभी इन दोनों में कंफ्यूजन है तो ये आपको याद रखना है

आपको क्लास इलेवेंथ के सारे चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा यस yes? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ओके ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 डीएच टू एंड एफ ए टू प्रोटोन्स आर रिलीज इन टू डैश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यह आपके चैप्टर नंबर थर्टीन क्लास इलेवेंथ का क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग इलेवेंथ स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स को ऑप्शन में छोड़ोगे तो पर पक्का आपका मार्क्स कम आएगा yes, ठीक है चलो बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 टू एंड एफ ए डीएच टू प्रोटोन्स होते हैं नर्सिंग की सीटी अलग होती है बताओ क्या आएगा इसका आंसर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एन ए टू एंड एफ ए टू आपके प्रोटॉन्स किधर रिलीज होते हैं ये देखो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हाँ ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन योर एन ए टू एंड एफ ए टू द इलेक्ट्रॉन्स इसमें से आपके इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं ये देखो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आगे होता है पर आपका जो प्रोटॉन है द प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड इनटू आउटर चेम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ऐसा रहता है ना माइटोकॉन्ड्रिया तो ये इनर मेमब्रेन है ये आउटर है और ये इंटर स्पेस है तो इधर से जो भी प्रोटॉन आता है वो प्रोटॉन सीधा इंटर स्पेस में आता है सो प्रोटॉन्स आर इन द आउटर चेंबर दिस इज इनर दिस इज आउटर चेंबर तो प्रोटॉन्स हमेशा किधर रिलीज किए जाते हैं आउटर चेंबर में सो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिर्फ चार परसेंट बच्चों ने राइट right आंसर दिया है ओनली फोर परसेंट स्टूडेंट्स सोचो आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है क्लास इलेवेंथ का चैप्टर सब लोग के मार्क्स कटेंगे एग्जाम में ठीक है रोहन राजपूत पचास क्वेश्चन करने वाले हैं टोटल क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन प्रोस्टेटिक फ्लूड ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है प्रोस्टेट ग्लैंड से कौन सा कौन सा फ्लूड निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से कौन सा कौन सा फ्लूड निकलता है बताओ यस yes. प्रोस्टेटिक फ्लूड कंटेंस वॉट क्वेश्चन को चिंदी मत बोलो तुम्हारी चिंदी बना देगा क्वेश्चन yes, से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग सीई टी में बेटा मैंने नर्सिंग का एग्जाम नहीं दिया है तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि नर्सिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आता अपना महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है बाहर का सिलेबस नहीं रहता है सिर्फ और सिर्फ इलेवंथ और ट्वेल्थ के बायोलॉजी का सिलेबस रहता है फिजिक्स भी इलेवन ट्वेल्थ का रहता है केमिस्ट्री भी इलेवेंथ ट्वेल्थ का रहता है प्रोस्टेटिक फ्लुइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड देखो फ्रुक्टोज फाइब्रीनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंड ये सेमिनल वेसिकल में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ठीक है सिट्रिक एसिड फ्रुक्टोज एंड अदर एंजाइम फ्रुक्टोज इज अ पार्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल तो ये भी नहीं आएगा प्रोस्टाग्लैंड सेमिनल वेसिकल से आया है ये भी सेमिनल वेसिकल से आया है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से आया है तो ये भी नहीं आएगा only these enzymes come from prostate gland ye dekho prostatic fluid contains citric acid phosphatase enzyme and other enzymes so option number c is the right answer for question number 37 yes so correct answer kya aayega option number c only 32% ना तो तुम लोग ने ग्यारहवीं की पढ़ाई की है ना तो तुम लोग ने बारहवीं की पढ़ाई की है सिर्फ थर्टी सेवन परसेंट बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं और तुम लोग बड़ी बड़े सपने देखते हो कि तुमको नाइन्टी परसेंट टाइल चाहिए नाइन्टी फाइव परसेंट टाइल चाहिए कैसे आएगा इतना सिंपल एम करा रही हूँ वो तुम लोग को आ नहीं रहा है भगवान जाने कैसे क्या होने वाला है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ ओनली एक्स क्रोमोसोम दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यह आपका एक्स क्रोमोजोम है ठीक है यह आपका वाई क्रोमोजोम है दिस इज एक्स क्रोमोजोम दिस इज वाई क्रोमोजोम इस रीजन को बोलते हैं होमोलोगस रीजन दिस इज नॉन होमोलोगस रीजन दिस इज एक्स क्रोमोजोम दिस इज वाई क्रोमोजोम तो एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो रिसेसिव जीन्स होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन पे यहाँ पे जो रिसेसिव जीन होगा ये रिसेसिव जीन किस में एक्सप्रेस होगा समझो कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है थीके? ये फीमेल है और ये मेल है अभी अगर एक भी रिसेसिव जीन मेल के पास रहा तो कंपल्सरी ये एक्सप्रेस होगा हो ही होगा क्योंकि मेल्स के पास रिसेसिव जीन का बैकअप नहीं होता है तो रिसेसिव एक्सलिंक् रिसेसिव डिसऑर्डर, याद रखो, डिसंक्ट रिसेसिव डिसऑर्डर, ये कंपल्सरी मेल्स में देखने को मिलता ही मिलता है इज मोस्टली ऑब्जर्व इन मेल्स ये हमेशा याद रखो क्योंकि मेल्स के पास दूसरा डोमिनंट जीन का बैकअप नहीं होता है सो so आंसर क्या आएगा इट इज ओनली एक्सप्रेस्ड इन मेल्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज करेक्ट सो आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इसका आंसर भी सिर्फ चालीस परसेंट चालीस परसेंट बच्चों ने दिया है च वन ऑफ द फॉलोइंग इज अब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डम्प आपका चैप्टर नंबर फिफ्टीन का क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक में से पूछा है बताओ क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का आंसर तुक्का मारने की निंजा टेक्निक क्या बताऊं जय माता दी करके तुक्का मार के आओ इसमें कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है दो क्वेश्चन दो ऑप्शन तो कंपलसरी अलग होता है बाकी दो ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होता है आप उसको सिलेक्ट करो क्योंकि सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ के आने से अच्छा है कि कुछ तो सिलेक्ट करके आओ कम से कम कुछ नहीं तो गलती से तुक्का लग गया तो राइट आ जाएगा क्योंकि देखो ये मैथमेटिक्स नहीं है कि इसमें प्लस माइनस जीरो टू ऊपर नीचे हो गया तो भी हम तुक्का लगा सकते हैं ये थियोरी है अभी अगर आपको मैंने पूछा वॉट इज योर नेम तो आप तुक्का लगा के अपना नाम नहीं बता सकते ना अरे तेरा नाम चंदू है तेरा नाम रेखा है तेरा नाम अंजलि है तुक्का नहीं मार सकते थ्योरी में तु, तुक्का नहीं लगा सकते केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में तुक्का लगा सकते हो क्योंकि रिएक्शन का रिएक्टेंट पता होता है प्रोडक्ट आप अंदाजा लगा सकते हो आपको मॉलिकुलर वेट पता है तो आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मुला या जो भी रिएक्शन है वो पता लगा सकते हो बट बायोलॉजी इज कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड सो so, कौन सा सब कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम ओपन बर्निंग डर्म्स यूज करते हैं मतलब अगर आप जला नहीं सकते हो तो आप कचरे को दबाना चालू कर देते हो दैट इज सैनिटरी लैंडफिल्स तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी ये सैनिटरी लैंडफिल्स ठीक है yes, चलो क्वेश्चन नंबर 40 सिर्फ ट्वेंटी बच्चों ने राइट right आंसर दिया है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टीपीआर्ड ये मैंने अपना कल का जो मैराथन लेक्चर लिया था दिस इज फ्राम चैप्टर नंबर सेवन नाइट्रोजन साइकिल ये मैंने कल जब मैराथन लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये आता ही आता है क्वेश्चन तो ये कल के लेक्चर का क्वेश्चन है कल जो मैंने रिविजन लेक्चर लिया था ना उसमें मैंने ये बताया था अभी अपना नेक्स्ट रिविजन लेक्चर मोस्टली संडे को होगा बताओ शिफ्ट पे परसेंटाइल डिपेंड होता है बट तुमको कुछ तो आना चाहिए तुम शिफ्ट के भरोसे जाओगे और सिर्फ 40 मार्क्स लेके आओगे 200 में से तो तुमको थोड़ी ना तो 90 परसेंट आएगा सेफ स्कोर आपको 140 150 के ऊपर रखना है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ऐसे कोई भी अपलू पपलू कॉलेज चाहिए तो आप सिर्फ पास हो जाओ उतना काफी है दो तीन मार्क्स लेके आ जाओ उतना भी काफी है फिर डोनेशन दे एडमिशन ले सकते हो सो so, क्या आएगा इसका आंसर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर मॉलिक्यूल टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कल के सेशन में ही मैंने बताया था ये यस आंसर इज सिक्सटीन क्या आएगा इसका नेक्स्ट आंसर आंसर इज ये देखो इधर पे कल के सेशन में ही हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन एक सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का फिक्स करने के लिए हमको सिक्सटीन एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन चलो

सर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टाइप कर दिया गलती से नहीं भाई एम एस टी सीटी से एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है से सिर्फ फार्मेसी की सीट मिलती है और एग्रीकल्चर की सीट मिलती है ठीक है चलो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायट्रोफ राइजोबियम इज नाइट्रोजन फिक्सर एजोटोबैक्टर इज फिक्सर बेजरिंग इज फिक्सर ये जो बैक्टीरिया है पी फॉर पॉलीमिक्सा दिस इज अ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ये कौन सा बैक्टीरिया है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है ये फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करता है बाकी सब नाइट्रोजन फिक्सर है ये देखो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर में आपका राइजोबियम आता है और फ्री लिविंग में आपका अजोटोबैक्टर आता है बेजरिंग क्या आता है बट दिस इज फॉस्फेट सोलिबिलाईजिंग इसके जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन सो दिस इज योर चैप्टर नंबर टू बताओ इन स्टेटमेंट बताना है आपको क्या आएगा बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर मैं ब्लीडिंग होता है यहाँ से बच्चा होता है ट्यूबुलर ऑर्गन इन फीमेलो करेक्ट लास्ट स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से पढ़ो म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ वजाइना कंसिस्ट ऑफ बार्थोलिन में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है वजाइना में देर इज नो ग्लैंड प्रेजेंट तो म्यूकस किधर से आता है वजाइना के पास सर्वाइ सर्वाइकल रीजन से जो सर्विक्स रीजन होता है जो सर्वाइकल सेक्रीशन होता है वहां से म्यूकस मिलता है वजाइना को वजाइना के पास कोई भी ग्लैंड नहीं होता है सर्विक्स के पास जो सर, ये होता है म्यूकोसल लाइनिंग होता है वहां से म्यूकस आता है अपने वजाइना के पास तो so, इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी यस नेक्स्ट क्वेश्चन समझा सबको ये आपके थियोरी में दिया गया है वजाइना में ग्लाइकोजन होता है जो नरिशमेंट देता है आपके ब्लास्ट को और म्यूकस जो है है वो से आता है. चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म इन एनजीओस्पोक्स बार्थोलिन ग्लैंड वजाइना के आइदर साइड में नहीं होता है बार्थोलिन ग्लैंड आपके अ uh, आउटर वेस्टिब्यूल्स में प्रेजेंट होता है मतलब इट इज प्रेजेंट एकदम बिलो वाले रीजन में आपके वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होता है वजाइनल ओपनिंग सिर्फ मेंस्ट्रुअल फ्लो बर्थ कैनाल और के लिए यूज किया जाता है उसके पास जो म्यूकस है वो सर्विक्स से आता है वो स्टेटमेंट याद रखो ठीक है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म इन एनजीओ स्पर्म जल्दी जल्दी बताओ आपका जो एंडोस्पर्म होता है ये देखो ये अपना एम्ब्रियोसैक है इधर पे एंटीपोडाल सेल्स हैं इसका कुछ लेना देना नहीं है इधर सेकेंडरी न्यूक्लियस है इधर पे आपका एग सेल है और ये आपके सिनरजिड्स हैं दिस इज योर एग दिस इज योर सेकेंडरी न्यूक्लियस तो आपका जो मेल गैमेट है एक मेल गैमेट इधर पे आके साइगोड बनाता है ठीक है और एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ आके एंडोस्पर्म बनाता है इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या बोलते हैं इसको हम ट्रिपल फ्यूजन सो योर एंडोस्पर्म इज इट इज नॉट अ गेमैटोफाइटिक टिशू इट इज नॉट डिप्लॉयड इट इज नॉट फॉर्मड बिटवीन फर्टिलाइजेशन इट इज अ ट्रिप्लॉयड टिश्यू ये फर्टिलाइजेशन के बीच में नहीं होता है ये खुद एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है सेकेंड फर्टिलाइजेशन सो इसका राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझा सबको ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर 43 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 50 परसेंट बच्चों ने राइट दिया है क्या होएगा भगवान जाने मैच गिवन इसका स्टेटमेंट इधर से इधर तक है इधर है? तक है. है. है तो डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है डी डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है रीडिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है देखो ये आपका मेरिस्टोमैटिक सेल है ठीक है मेरिस्टोमैटिक सेल जब मेच्योर होता है तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंसियन अब ये जो डिफरेंसिएशन वाला सेल है ये आगे डिवाइड नहीं करेगा नो डिवीजन ये आगे डिवीजन नहीं करता है सो डिफ्रेंसिएशन सेल मेच्योर होने के बाद डिवीजन नहीं करता है डिफ्रेंसियन सेल परमानेंट चेंज दिखाता है और मेच्योर हो जाता है सो ए का आंसर आएगा थ्री ए का आंसर आएगा थ्री ए का आंसर आएगा थ्री बाकी काट दो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अगर समझो ये डिफ्रेंसियन सेल में अचानक से डैमेज हो गया तो आपका जो ये डिफ्रेंसिएशन सेल था ये रिवर्स हो जाएगा और ये फिर से डिविजन करना स्टार्ट करेगा अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग तो ये हो जाएगा डी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा ये डी डिफ्रेंसिएशन सो डिफ्रेंसिएटेड सेल्स रीगेन द एबिलिटी ऑफ सेल डिजन तो बी का आंसर आएगा टू अब ये होगा या ये होगा अभी बी का आंसर है टू सो ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है और लास्ट में जब आपका डी डिडिफ्रेंसिएशन करने के बाद अब जो नया प्रोडक्ट मिलेगा न्यू प्रोडक्ट आफ्टर डी डीडिफ्रेंसिएशन तो इस न्यू प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे रिडिफ्रेंसिएशन अब ये फिर से मेच्योर हो जाएगा इट विल मेच्योर मतलब इसका डिविजन फिर से स्टॉप हो जाएगा

जब जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं जब उनके जीन्स आपस में ट्रांसफर करते हैं और आपको न्यू वेराइटी मिलती है आपको जो न्यू वेरिएशन मिलता है इस न्यू वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं बताओ यस yes. क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बताओ न्यू वेरिएशन को क्या बोलेंगे हम इसका राइट right आंसर आएगा जीन रिकॉम्बिनेशन बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है ओके okay? क्या आएगा इसका आंसर जीन रिकॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर थ्री में हमने पढ़ा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में और जीन फ्लो वगैरह तो हमने चैप्टर नंबर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में हमने चैप्टर नंबर फाइव में भी पढ़ा है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द एनालॉगी अबाउट एक्सक्रीशन दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे उनको याद होगा कि मैंने आपको ये लिखने के लिए दिया था टेन टेन टाइम्स लिखने के लिए बोला था कि आपका बिली रूबिन कैसे बनता है और यूरोक्रोम पिगमेंट का क्या फंक्शन होता है तो बिली रूबिन हिमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके बनता है दिस इज योर क्लास इलेवंथ का चैप्टर नंबर फिफ्टीन आज के सेशन में ही हमने कम से कम इलेवंथ स्टैंडर्ड के दस क्वेश्चन देख लिए रहेंगे येस yes? सो बिली रूबिन पिगमेंट कैसे बनता है हीमोग्लोबिन को ब्रेकडाउन करके उसके वजह से आपके पॉटी में कलर मिलता है और आपका यूरोक्रोम पिगमेंट कैसे बनता है यूरोक्रोम पिगमेंट ये भी आपके ब्रेक ब्रेकडाउन से बनता है और ये कैसे रिलीज होता है इसके वजह से आपके यूरिन को कलर मिलता है तो ये ऑब्वियसली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर दिया है आपका जो बिली रूबिन पिगमेंट है ये कैसे बना है ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से तो बिली रूबिन पिगमेंट फीसिस के थ्रू बाहर जाता है फीसिस मन जो पॉटी और यूरोक्रोम पिगमेंट भी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन करके मिलता है ये कैसे बाहर जाता है यूरिन से तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सम एनिमल कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एम्बियन टेम्परेचर दे आर सिंपली ये गलती से आया जो एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर दूसरे आजू बाजू के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं यह आपके चैप्टर नंबर फोर्टीन में भी है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के और चैप्टर नंबर फिफ्टीन में है एलेवेंथ स्टैंडर्ड के दोनों में दिया है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में येसो सम एनिमल्स कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर देखो आपको ट्वेंटी ट्वेंटी टू के पीवाई क्यूज ऑलरेडी हमारे ज्ञान लाभ ऐप पे फ्री में दिए गए हैं ठीक है ठीके? और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के जो पीवाई क्यूज है उसका दो मॉक टेस्ट टू फ्री मॉक टेस्ट आपको ज्ञान लाभ ऐप पे दिया गया है जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के पी वाई क्यू के बेसिस पे है और ये अनलिमिटेड अटैम्प है तो ये प्रैक्टिस करो आप लोगों ने अभी तक इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की है बताओ जो एनिमल्स अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं कन्फर्मर ऑस्मो कन्फर्मर्स ये देखो इधर दिया है एनिमल्स विच कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर देयर एम्बियस टेम्परेचर आर नोन एज कन्फर्मर्स चैप्टर नंबर फोर्टीन यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फोर्टीन नहीं चैप्टर नंबर थर्टीन में से है थर्टीन थर्टीन ऑस्मो कन्फर्मर्स वगैरह ठीक है अडाप्टेशन वाले पार्ट का है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट वी आर ऑस्मो रेगुलेटर्स ह्यूम और मैमल्स ऑस्मो रेगुलेटर में आते हैं हम अपना इंटरनल एन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट रखते हैं लेकिन बर्ड्स वगैरह इंटरनल एन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते हैं. चलो सो विच ऑफ द फॉलोइंग चलो लास्ट के सिर्फ तीन क्वेश्चन बचे हैं बाद में टाइम पास करो तुम्हारे पोल्स के चक्कर में सेशन इतना लंबा हो गया नहीं तो कब का खत्म हो जाता पोल्स दिया है तो भी तुम लोग को बकवास चायट करने का टाइम मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल हॉर्मोन आपके एड्रीनल ग्लैंड से बनता है तो कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या क्या है यह आपके चैप्टर नंबर नाइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से जिसने डिटेल में रीडिंग किया रहेगा सिर्फ उसको ये क्वेश्चन आएगा बताओ क्या आएगा इसका आंसर कॉर्टिसोल की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है करेक्ट इट इज नॉट इम्यूनोजेनिक इट इज इम्यूनोसप्रेसिव ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है सो दिस इज इन करेक्ट इट एंटेगोनाइज एक्शन ऑफ एट्रीन नो कॉर्टिसोल हार्मोन एट्रेन को फंक्शन नहीं करता है या उसके साथ एंटेगोनिस्टिक एक्टिविटी नहीं दिखाता है इट रेग्युलेट मेटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट करेक्ट इट्स हाइपर सेक्रीशन लीड्स टू ओबिसिटी फैट को मेटाबोलाइज कराएगा तो एक्सेस फैट स्टोर होएगा जिसके वजह से ओबेसिटी होती है सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो ऑप्शन नंबर ए डी एंड ई इज करेक्ट ये देखो कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के जोना फेसिकुलाटा से बनता है इसका काम क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स वगैरह सब डाइजेस्ट करता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इट इज इम्यूनो सप्रेसिव ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ठीक है एंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी एक्सेट्रा सो बाकी सब रॉन्ग है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा इसका आंसर गिवन बिलो इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन दिस इज फ्रॉम योर इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन चैप्टर थर्टीन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड काम स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज तो सेम स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है करेक्ट ऐसे टाइप का जो इंटरक्शन होगा ये या तो बेनिफिशियल होगा या तो हार्मफुल होगा इट विल नॉट बी न्यूट्रल सो स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू इज इनकरेक्ट सो इसका राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गिवेन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स दिस इज क्लास इलेवेंथ का क्वेश्चन चैप्टर नंबर फिफ्टीन बिली रूबिन प्रोड्यूस नहीं दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर्टीन ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी है ये टॉपिक बिली रूबिन प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ हिमोग्लोबिन इज वॉटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दिस इज करेक्ट ये हमने कल भी पढ़ा था ये सेम क्वेश्चन हमने कल के सेशन में भी देखा था वॉटर सोल्यूबल बिली रूबिन इज टॉक्सिक टू ब्रेन सेल्स क्या ये राइट right स्टेटमेंट है नो वॉटर सोल्यूबल नहीं फैट सोल्यूबल बिली रूबिन जो होता है ये ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है इसीलिए सी एस एफ में कितना बिली रूबिन है वो हम चेक करते हैं सीरम टेस्ट किया जाता है सो स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू इज इनकरेक्ट यस अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में और तुम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो थू है तुम्हारी जिंदगी पे क्योंकि इतना फ्री मटेरियल तुमको दिखाई दिया जा रहा है लेकिन तुम लोग अगर फिर भी पढ़ाई नहीं करके जाते हो तो चुल्लू भर पानी में अपना नाक डुबा लेना ठीक है शर्म से अपना मुंह काला कर लेना अगर इतना भी तुमसे नहीं हुआ जा रहा है तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए सारे सोर्सेस अवेलेबल है सारा मटेरियल अवेलेबल है फ्री में आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं आपके पास नहीं है पैसा तो मत खरीदो ना मॉक टेस्ट आपने चाल हजार ऑफलाइन क्लास में डाल के रखा है फिर भी क्या फायदा आपके सौ में से पचास में से बीस मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं सो तो आपको कम से कम जो दो फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है जाके वो दो फ्री मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करो उतना तो बायोलॉजी का प्रैक्टिस होएगा नहीं तो शर्म से मरने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा इतना तुम लोग टाइम पास करते हो अभी भी अगर तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अच्छा मार्क्स स्कोर करना अभी आज किसको किसको कितना मार्क्स आया है वीडियो खत्म होने के बाद अपना अपना मार्क्स कमेंट करो ताकि आपको बाकी बच्चों से पता चले कि आपका लेवल महाराष्ट्र में कौन से लेवल पे चल रहा है सो कमेंट योर मार्क्स इन द बिलो सेक्शन और मैं बार बार बोल रही हूँ क्लास इलेवेंथ के चैप्टर्स को ऑप्शन में मत रखो क्लास इलेवेंथ के जो चार चैप्टर्स है इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो प्लीज़ टाइम पास मत करो क्लास इलेवेंथ के चार चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो आई होप आज का सेशन सबको अच्छा लगा होगा अब जो हमारा नेक्स्ट डीपीपी सेशन होगा वो भी ऐसे पोल्स वाला ही होगा ठीक है तो नेक्स्ट डीपीपी सेशन मंडे को लेंगे संडे को अपना नेक्स्ट मैराथन सेशन होगा कल ट्राई करूंगी कल अगर डीपीपी सेशन लेने का टाइम मिला तो कल भी डीपीपी सेशन ले लेंगे सुबह नौ बजे वगैरह वी विल ट्राई टू कंडक्ट वन डीपीपी सेशन ट अगर टाइम मिला तो अदरवाइज डायरेक्ट संडे को मैराथन सेशन होगा सो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज 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 पढ़ना चालू करो टाइम नहीं है ठीक है क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं याद रखो ओके बाय